तो सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम जींद में हूँ और जींद में सफीदो रोड पे हनुमान मंदिर सेलर था, थोड़ा पहले हनुमान मंदिर है उसके साइड में गली है, ओडे खड़ा हूँ भाई। अरे यहाँ पे शीशा की दुकान, शीशा की मतलब गाड़िया में शीशे लगा है। अब ऐसी ऐसी दुकान तो आप सोच दो कि बहुत सारी जगह होगी, यड़े की खास बात है तो भाई हरियाणा में एक के दो दुकान है, इसीलिए यह खास बात है। गाड़िया की शीशे जो कर शीशा टूट रहा है, ये शीशा बदल देंगे यहाँ पे, अदरवाइज तो बदले नहीं जाते। अब मैं कहूँगा यार इतनी सारी दुकानें क्यों फद्दू बनावे, भाई सही कहूँ एक बार वीडियो पूरी देखियो फिर आप लोगों को यह बात सही थी। देखो कितने टूटे हुए पड़े हैं, ये नया लगाना है, बहुत कुछ नया। हमारे साथ हैं भाई साहब, भाई साहब राम राम। राम राम जी। अपना नाम क्या? संदीप शर्मा। संदीप जी। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। अपना नाम जी? विक्रम भाई। विक्रम भाई। संदीप भाई, जो है शीशा की दुकान विंडशील्ड जिसने बोला, हाँ हाँ भाई, आम आदमी ने जानना चाहे कि भाई खास बात की है इस शोरूम में। खास बात एक तो ये है कि ओरिजिनल ग्लास है सबसे मेन, क्योंकि मार्केट में डुप्लीकेट भी आते हैं, ये है ओरिजिनल ग्लास AIS के नाम से, जो ओरिजिनल मार्का है, ओरिजिनल ही उन्हीं की एजेंसी है ये। ग्लास कितने के नाम था ये कंपनी, कितने कंपनी? दो ही कंपनी आती है, एक तो आती है सेंट गोविंद, ठीक है, और एक आती है AIS। सेंट गोविंद तो ये जो करे बड़े ट्रक हो गए, हाँ ज्यादा कर सेंट गोविंद का काम क्या है कि कमर्शियल व्हीकल है जो मोस्टली उसका ग्लास ज्यादा कर बनाती है, और AIS प्राइवेट कार में एक्सपर्ट है, इसका ज्यादा बनाती है। कोई भी कंपनी की गाड़ी उसमें AIS का शीशा, हाँ लगभग AIS का ही लगता है, लगभग AIS का ही लगता है। हाँ जी। तो आपकी दुकान की खास बात है, जींद के अंदर ये कितनी की दुकान है? एक ही दुकान है ये, अभी नया जो ये दुकान बनी है एक ही है, पूरे जींद में एक भी नहीं है, पूरा जींद के अपने आसपास भी नहीं है, नरवाना उसकी तो कहीं भी नहीं है, पूरा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है आसपास। ठीक है। एक तो जो कंपनियां का शीशा अलग है वो AIS है, जो अपने इन गाड़ियों में लगा है वो आप लगाओ। हाँ जी। दूसरा आसपास में और कोई दुकान है ही नहीं? है ही नहीं। हरियाणा में कितनी होंगी? हरियाणा में गुड़गांव में है, और करनाल में, पानीपत में है, सोनीपत में, रोहतक में भी है, हिसार में भी है। अच्छा। ठीक है। कैथल कुरुक्षेत्र इस साइड नहीं है, अपने अभी जींद में खुली है, इस एरिया में अभी आई है। AIS की फ्रेंचाइजी आपके पास? आपके, हाँ जी जी, AIS की फ्रेंचाइजी हमारे पास है ओरिजिनल ग्लास की। ओरिजिनल, अगर कोई इसने लेना चाहो तो आपसे? नहीं सर, हम देंगे नहीं किसी को। ओके चलो, ये बात कंफर्म होगी भाई, इसीलिए कहूँ था यहाँ पे। अब आम आदमी आप दुरे शीशा लगवान क्यों आवे है, मतलब शीशे तो गाड़ी टूट जाए, गाड़ी का शीशा टूट जाए तो हम इसने कई बार एजेंसी में ले जाए। हाँ एजेंसी में ले जाए, एजेंसी के अंदर तीन दिन का प्रोसीजर है। पहले दिन जब गाड़ी आएगी तो सबसे पहले तो उसका सर्वे होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगी, ठीक है, उसके बाद वो गाड़ी का शीशा ऑर्डर करेंगे, फिर नेक्स्ट डे वो शीशा आएगा, फिर वो लगा के देंगे। तीन दिन का प्रोसीजर है एजेंसी का। एजेंसी में शीशा कोई भी मारुति हो चाहे टाटा हो चाहे हुंडई हो, किसी के पास भी शीशा अवेलेबल नहीं होता, कोई भी स्पेयर पार्ट, ये नहीं कि शीशा ही, कोई भी स्पेयर पार्ट उनके पास अवेलेबल नहीं होता, वो ऑर्डर करते होते पहले होते थे, लेकिन कुछ समय के बाद इन्होंने क्या नाम स्टॉक रखना बंद कर दिया सभी एजेंसियों ने। वो क्या करते हैं, जो भी गाड़ी एक्सीडेंट आती है, शीशा या जो भी है, वो ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने के बाद वो उसके बाद में देंगे। अब अगर मान लो एक्सीडेंट है तो गाड़ी हफ्ता 10 दिन खड़ी भी कर सकता है बंदा, क्योंकि उसको पता मेजर एक्सीडेंट है। एक ग्लास के लिए 3 दिन खड़ी करना हर बंदे के लिए मुश्किल है, क्योंकि बंदे क्या सोचते हैं, तीन तीन एक एक साल ऐसे ही टूटे हुए को चलाते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि समय नहीं है 3 दिन खड़ी करने का। एक एक साल तक गाड़ी को खड़ी ऐसे, हमें बहुत कस्टमर हमारे पास आए हैं और यही कहते हैं यार मेरा तो एक साल से टूटा हुआ है, लेकिन मैंने तो टाइम ही नहीं है मेरे पास कि भाई 3 दिन में गाड़ी क्यों खड़ी करूँ एजेंसी में। आप, हमारी सर्विस ये है कि अगर मान लो गाड़ी मेरे पास आती है तो 1 घंटे का प्रोसीजर है मेरा डॉक्यूमेंटेशन का, जो सर्वे वगैरह करवाते हैं हम उसका है, अप्रूवल आते ही हम 1 घंटे के अंदर हम लगा के दे देते, मतलब टोटल हमारा समय है 2 आवर्स, 2 घंटे का, 2 घंटे में हम शीशा चेंज करके उसको गाड़ी दे देंगे। इतना ही टाइम लगता है किसी कहीं वॉशिंग करवाने का, इतना टाइम लगता है कहीं सर्विस करवाने का, तो इतना टाइम हर कस्टमर दे सकता है, 2 घंटे कोई ज़्यादा नहीं है। और उस, बिल्कुल जी, और गैराज में, एजेंसी के अंदर या गैराज में फैसिलिटी सब जगह है, वही बात है कि 3 दिन लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पेंट उड़ता है, हर चीज़ उड़ती है, तो वहाँ पर ये भी, यहाँ सेफ है, वहाँ सेफ भी नहीं है गाड़ी, अगर 3 दिन छोड़ते हैं तो हो सकता है कुछ और टच हो जाए, कुछ हो जाए, तो यहाँ कुछ भी नहीं है। मिस्त्री भाई हैं जो लग रहे हैं, ये भी तो लोकल होंगे ना? ये बिल्कुल लोकल हैं, एक्सपर्ट हैं, इनकी ट्रेनिंग हमने लोगों ने करवाई है, इनकी ट्रेनिंग हुई है। हाँ बिल्कुल, फरीदाबाद हमारी बड़ी एजेंसी है यही, तो वहाँ पर मतलब 1 दिन में 10 से 15 ग्लास डेली चेंज होते हैं, तो वहाँ पर इन्होंने, इनकी ट्रेनिंग करवाई मैंने 2 महीने की।
क्योंकि ग्लास चेंज करते टाइम गाड़ी पे निशान भी पड़ा है। हाँ, ये डैशबोर्ड पे जो निशान पड़ते हैं वो चीज भी है, लगाने का तरीका भी अलग है। पूरी मार्केट चाहे एजेंसी कहीं भी चले जाओ, जो इनका तरीका है वो मतलब वहाँ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि पेस्टिंग करने का तरीका है। हमारे पास औजार ऐसे आइटम है हमारे पास वो रखे हुए हैं। पेस्टिंग इतनी भूंडी, इसमें मेरी गाड़ी का शीशा टूटा था, मैंने याद है कई दिन तो वो डुप्लीकेट पेस्टिंग लगती है, 200 रुपए की आती है मार्केट में, बाजार में सभी वही लगाते हैं। हमारे पास बीटा की है 774 रुपए की पेस्टिंग है, ओरिजिनल की 774 रुपए की पेस्टिंग, ओरिजिनल पेस्टिंग है, उसमें बदबू नहीं आएगी। ओके, थोड़ी तो आएगी। नहीं सर, बिल्कुल स्मेल आती ही नहीं। देखो ये अच्छी बात है, मैंने तो जब शीशा लगवाया था एक हफ्ता लगभग बदबू रही थी, गाड़ी के शीशे खोल के चले गए थे भाई बदबू ना रहे, लेकिन आप बताओ ये 2 घंटे के अंदर ऑटोमेटिक अपने एडजस्ट हो जाती है, इसके अंदर कोई बदबू नहीं रहती, ये ओरिजिनल है इसलिए। ओके जी, देखो भाई यहाँ पे वैसे जो भी ये फीचर हैं, जो भी इन के प्रोडक्ट हैं, ये शीशे उठान के कितने के होंगे वैसे भी? 15,000 रुपये का एक पीस है। यो एक पीस 15,000 का? जी, ये मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा एक पीस, ये 15,000 रुपये का है, ये 30,000 रुपये का बिल के साथ हमारे पास ये। इसकी खासियत ये है कि इसी से यही शीशा उठा के लगाता है, अभी आपको दिखाएं भी गए, गाड़ी आपके सामने है। अच्छा, यही इसी के दम पे शीशा लगेगा। मार्केट में क्या होता है, पेस्टिंग पहले लगाते हैं बाउंड्री पे, फिर शीशा चिपकाते हैं, उससे क्या होता है साइडों में पेस्टिंग निकल जाती है, फिर वो कहते हैं कटिंग करवाने आना बाद में, हम ये बाद में कटिंग करेंगे, कितनी मर्जी कटिंग कर लो लेकिन उसकी सफाई नहीं होगी। यहाँ पहले पेस्टिंग होगी बाहर, फिर रबड़ लगेगी, मोल्डिंग लगेगी, उसके बाद इससे शीशा लगेगा, एडजस्ट भी अच्छा होगा और उसकी क्वालिटी भी अच्छी आएगी। 500-700 रुपये का होगा भाई, अरे 15,000 रुपये का। हाँ जी, देखो भाई पूरा बड़ा ऑपरेशन सिजेरियन, बड़ी सफाई से काम है भाई साहब। ये तो आपने खैर बहुत अच्छी बात बता दी, और के कुछ सुविधा है आपकी तरफ से, आपकी कंपनी की तरफ से? और जगदीप भाई देखो, मार्केट तो है अपना, एक फैसिलिटी हो रहा अपने पास, हम जैसे मार्केट में तो शीशा गार्ड दुकान के अंदर ही लगाएंगे, हम 20 किलोमीटर के अंडर होम डिलीवरी देंगे बिल्कुल फ्री, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। गाड़ी हाँ, शीशा उठा के मान के चलो गाड़ी 20 किलोमीटर कहीं खड़ी है, ख़राब हो रही है, यहाँ पर आ नहीं सकती, हम वहाँ पर भी शीशा जाके लगाएंगे, ना उस पर कोई चार्ज लेंगे, बिल्कुल फ्री है ये फैसिलिटी, बहुत बढ़िया है। शीशा लगवा के आओगे ना? हाँ, अरे कहाँ, हाँ हाँ ना, मार्केट लगा के आएंगे बिल्कुल। ओके, हमारे कारीगर भी जाएंगे, हम शीशा भी लेके जाएंगे। नहीं नहीं, किसी का कोई चार्ज नहीं है। एक और साफ सफाई से काम करेंगे, जैसे शीशा लगा दिया अंदर कचरा, वैसे कचरा छोड़ दिया, हम वाकूम लगाएंगे, गाड़ी की सफाई करेंगे अच्छी तरह से, सेटिस्फाई करेंगे ग्राहक को बल्कि बढ़िया तरीके से, और 1 साल की पूरी गारंटी देंगे, लीकेज की, पानी कहीं से लीक हो जाए, हमारी पेस्टिंग उड़ जाए, ये लगाने में कोई समस्या हो। हाँ, भाई साहब जी, मैं आपसे ये देखने लग रहा हूँ, लेकिन ये जो फैसिलिटी आप दे रहे हो ये तो फिर और मिस्त्रियाँ ने शीशा चाहिए होगा, तो आप तो रिकॉल करेंगे और मिस्त्री भी आप तो शीशा लेके जाऊंगे फिर। बिल्कुल सर, लेके जाएंगे, क्यों नहीं लेके जाएंगे। तो मैं सारी जो भी पूरे जींद में अगर कोई शीशा मांगेगा तो इस दुकान पर जाऊंगा, यहाँ से जाएगा जी, अगर कोई ले जाना चाहता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम शीशा भी दे देंगे मिस्त्री को। क्या अच्छे रेट पे देंगे? हाँ जी, अच्छे रेट पे देंगे, मार्केट से हटके रेट के देंगे। अरे आम कस्टमर तो, आम कस्टमर ने लगवाना तो आम के लिए भी बढ़िया रहेगा, ऐसी बात नहीं है, तो सब कुछ तो इस पे बोल नहीं सकते माइक पे, फुल डिस्काउंट रहेगा। मतलब आप भाई बाजार में जाकर रेट पता कराओ, उसके बाद याड़ा आ जियो, एक फोन ने तो लगा, फोन नंबर में डाल दूंगा, ट्राई करने कुछ नहीं जाता, ट्राई करने कुछ नहीं जाता भाई। आपकी कोई सी गाड़ी हो उससे सब पूछ लियो, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी है तो यहीं पे सॉल्यूशन है। बिल्कुल जी बिल्कुल, फाइल खर्चा 1,000 रुपए लेंगे, आपका शीशा बढ़िया अच्छे तरीके से चेंज करके दे देंगे, फाइल चार्ज हर जगह भी, ये हर जगह लगेगा 1,000 रुपए रेट है, बस हमारी क्वालिटी और वो क्वालिटी आप देख लेना, ओरिजिनल की गारंटी है सर, बिल देंगे पक्का में, कोई भी काम कच्चे में नहीं होगा, पूरा पक्के में। देखो भाई पूरा लाग तो रहे हैं, पूरा तरपाल सा बिछा के इस पर साफ सफाई सी कर, ये इसलिए है तरपाल, क्या होता है गाड़ी के अंदर जब शीशा चेंज करते हैं, जैसे इसकी सफाई करने लग रहे हैं अभी, तो इसमें से कुछ कचरे होते हैं जो कांच के होते हैं, वो कचरे क्या होता है, इसके एसी के इसमें फिल्टर ऑप्शन होते हैं यहाँ पर खुले जाली वगैरह, तो उसमें चला जाता है कोई भी कचरा, कांच चला गया, कुछ भी चला गया, तो वो क्या चीज़ हो जाती है पूरी, वो निकलेगा नहीं वहाँ से,
तो ये चीज़ इसलिए है कि भाई इसको साफ सफाई से अंदर नहीं जाए, इसको ऐसे ही बोझ के निकाल दो बार की बार। देखो छोटी छोटी बात है, फोकस तो कर रही है खैर AIS कंपनी। तो भाई फिलहाल यह चीज मैंने यहाँ पे पसंद किया, इसी से तो खैर सारा देश लांदा होगा, लेकिन पूरे जींद में अगर शीशे कहीं भी जाऊंगे चाहे वे एजेंसी के हो शीशे चाहे कहीं के भी हो, वहीं हटते ले जाएंगे, यहाँ से ले जाएंगे जी भाई, मैं सारे शीशे हटते जावे हैं। दूसरी बात, आपने 2 दिन या 3 दिन नहीं लगाने पड़ेंगे, ऑन द स्पॉट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे में सारा प्रोसीजर करके ये गाड़ी आपको फारिग करके दे देंगे। और सबसे बड़ी बात जो भाई साहब ने बताई कि आपकी होम डिलीवरी भी आसपास में कितनी आता हो, जेनुअन समस्या हो, उन्होंने कि भाई अंगाई अंगाई में घर आ रहे अगर भाई मिस्त्री आ जाएगा ला जाएगा ना, तो भाई तो किसी बात है, ट्रक है स्कूल बस है, ट्रक है स्कूल बस है, वो थोड़ी कहीं ना कहीं जाएंगे, वो तो यही सर्विस चाहेंगे कि मेरे स्कूल में आए कोई शीशा लगा के चले जाए, वो परेशान रहते हैं, तो हम स्कूल में जाके ही शीशा लगा के आएंगे। ले भाई इससे बड़ी और कोई स्कीम नहीं हो सकती, फिलहाल यह वीडियो इतनी है, लेकिन अच्छी जानकारी थी या आपने किसी लगी कम शीशा तो लग गया, लेकिन वही बात है शीशा लगने के बाद स्मेल कितनी रह रही हो देखा गाड़ी के अंदर, फिलहाल शीशा तो ना 20 मिनट में ही लगा दिया, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया शीशा लगाने में। भाई गाड़ी के अंदर बैठे हाँ, स्मेल 1% भी नहीं है भाई, चढ़ाई है या जो महंगी पेस्टिंग है उसका ये जुगाड़ है, आप देख इसको शीशा लग लिया नया और थोड़ी सी भी स्मेल नहीं है, यह बड़ी अच्छी बात है। फाइनली आई लाइक दिस जॉब, थैंक यू भाई।